दिवाली बीत चुकी है और अभी काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि उनका वजन कितना बढ़ा, और ये और भी अहम होता है अगर आपको डायबिटीज़ है। वजन घटाने के लिए लोग अलग अलग डाइट और फिटनेस प्लान्स की मदद लेते हैं, उनमें से एक योग भी है। ना भारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, इसलिए आज डॉक्टर ऑन कॉल पे हम देखेंगे कि योग डायबिटीज़ में कैसे मदद करता है और कुछ बहुत ही आसान हेल्थ टिप्स जब आप वेट लॉस प्रोग्राम शुरू करें। मैं हूं डॉक्टर समीर गुप्ता। और मैं हूं डॉक्टर सोनेलाल गुप्ता, और आपका डॉक्टर्स ऑन कॉल पे स्वागत है। शुगर कंट्रोल के लिए दवाओं के अलावा आपकी लाइफस्टाइल यानी जीवन शैली का मैनेजमेंट भी काफी मायने रखता है। एक अंदाजे के मुताबिक करीब एक तिहाई डायबिटिक लोग अल्टरनेटिव मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। योग भी एक ऐसा ही वैकल्पिक रास्ता है जिसे पूरी दुनिया में अपनाया जा रहा है। जर्नल ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन में छपे एक नए शोध के मुताबिक डायबिटीज़ के मामले में योग को लेकर जब विश्लेषण किया गया तो उसके नतीजे बेहद असरदार दिखे। इस शोध में लगातार योग करने वाले और कभी न करने वालों के बीच तुलना की गई। योग HbA1c खाने के पहले और खाने के बाद के ब्लड ग्लूकोज को घटाने में कामयाब रहा है। योग करने वाले लोगों में टोटल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स और बैड कोलेस्ट्रॉल यानी LDL कम और गुड कोलेस्ट्रॉल यानी HDL ज़्यादा देखा गया है। योग करने से दोनों तरह के ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक कम करने में मदद मिलती है। योग करने वालों का बॉडी मास इंडेक्स और वेस्ट टू हिप रेशियो कम होता है। इससे कोर्टिसोल लेवल घटाने में भी मदद मिलती है और इस तरह तनाव कम होता है। दिलचस्प बात यह है कि योग बुजुर्गों में फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल कम करने में मददगार होता है। हर शख्स ने 12 हफ्ते तक औसतन 50 बार तकरीबन 60 मिनट तक योग किया, जो हफ्ते में करीब 4 सेशन का हिसाब बैठता है। ये एक और रिसर्च है जो डायबिटीज में योग के फायदे बताता है। अब कुछ दूसरे टिप्स की बात करते हैं। हमने मेदांता हॉस्पिटल के एंड्रोक्रोनोलॉजी और डायबिटीज विभाग के प्रमुख डॉक्टर अमरीश मित्तल से बात की। देखिए, डायबिटीज और बॉडी वेट यानी वजन में बहुत अंतरंग रिश्ता है। यानी अगर हमारा वजन बढ़ता है तो हमारी डायबिटीज बढ़ती है। तो डायबिटीज़ के इलाज में वज़न घटाने की बहुत प्रमुख भूमिका होती है। तो अगर हम अपना वज़न कम कर लेते हैं तो हमारी डायबिटीज़ भी इम्प्रूव करती है। रफली 80% पीपल विद डायबिटीज़ का वज़न ज़्यादा होता है जो होना चाहिए। और जो भी हम जीवनचर्या या जीवन शैली अगर अडॉप्ट करेंगे वज़न कम करने के लिए, वही हमारी शुगर को भी इम्प्रूव करेगी। वज़न कम करने के लिए और साथ साथ डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए हमें अपने डाइट में कुछ परिवर्तन करने चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ जो है वो प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट यानी महीन सफ़ेद आटा, सफ़ेद चावल, मैदा, ये हमारी डाइट्स में जैसे जैसे हम शहरों में रहना शुरू किया है वो बहुत बढ़ गया है। तो जो प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट है, सफ़ेद है, रिफाइंड है, मैदा बेस्ड है, वो हमारे लिए जहर है। तो हमको अपनी डाइट्स में जैसे पहले ट्रेडिशनल डाइट्स थी, जैसे गेहूं में चोकर मिला हो, राइस में ब्रैन मिला हो, ब्राउन राइस हो, उस तरह से अगर हम यूज़ करेंगे तो हम अपनी डायबिटीज़ और वेट दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, हमारे यहाँ फैट इनटेक का इशू है। जो हम लोग घी तेल यूज़ करते हैं वो अधिक मात्रा में होता है बहुत बार, और कई बार उसी तेल को बार बार गर्म करके हम लोग यूज़ करते हैं, उससे भी बहुत नुकसान होता है। तो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट कम करना डाइट में, इवनिंग मील्स रात के खाने को एकदम लाइट रखना और तली हुई चीज़ों को खाने में कम करना, इससे हमारा वज़न भी कंट्रोल हो सकता है और शुगर भी कंट्रोल हो सकता है। डायबिटीज़ के उपचार में फिटनेस का बहुत महत्व है। हमें अगर अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल रखना है तो सिर्फ डाइट नहीं, हमें फिजिकल एक्सरसाइज की ओर भी ध्यान देना पड़ेगा। रेगुलर व्यायाम, चाहे जो अच्छा लगता हो, वॉकिंग, योगा, वेट ट्रेनिंग, सबसे ही मदद मिलती है। पर अगर आपने कभी व्यायाम नहीं किया है या बहुत वर्षों से नहीं किया है
तो हमेशा एक ग्रेडेड तरीके से शुरू करें, ये नहीं कि आज कुछ नहीं और कल आपने 2 घंटे एक्सरसाइज कर ली। तो हमेशा कम से शुरू करके बॉडी को एडजस्ट करना अलाउ करें, धीरे धीरे बढ़ाती जाएं। अगर आपकी डायबिटीज़ को बहुत साल हो चुके हैं और कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो चुके हैं, जैसे सपोजिंग हार्ट का या आँख का या नर्व्स का, तो डॉक्टर से सलाह लेके कुछ बेसलाइन टेस्ट करा के और एक्चुअल एक्सरसाइज प्रोग्राम बनवा के तब आपको शुरू करना चाहिए। पर ये कोई वजह नहीं है कि आप एक्सरसाइज ना करें, कोई ना कोई तरीका। कोई बोलता है जी मेरे घुटने में दर्द है इसलिए मैं एक्सरसाइज कैसे करूं, तो आप बैठ के कर सकते हैं, आप भुजंगासन, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, भस्त्रिका कर सकते हैं। सो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, हर चीज़ का उपाय है। तो एक्सरसाइज से बचने का कोई बहाना नहीं होना चाहिए। आपके अनुसार आपके डॉक्टर आपको एक्सरसाइज प्रोग्राम बता सकते हैं। अगर कॉम्प्लिकेशंस हैं तो पहले आप उनके लिए टेस्ट करा लें एक बार, जिससे कि ऐसा ना हो कि सडनली एक्सरसाइज बढ़ाने से कोई नुकसान हो। देखिए, डायबिटीज़ में वजन घटाने से ना सिर्फ शुगर कंट्रोल पर फर्क पड़ता है, बल्कि ये आपके पूरे शरीर की सेहत के लिए अच्छा है। याद रखें, किसी भी डाइट या फिटनेस प्लान को शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर बात कर लें। आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगले हफ्ते।